फुलन बीबी, बच्चों को सुला दिया मैंने। अच्छा, आई होप कि ज्यादा ना लगी उसे। कांच कैसे लग गया वाओ में, क्लास कैसे टूटा? मुझे नहीं पता दुल्हन बेबी, जब आपकी गाड़ी को हॉर्न सुन के मैं बाहर आई तो गिलास तो माइन बेबी के हाथ में था, वो पानी पी रही थी। अगर गिलास गिर के टूट भी गया तो माइन बेबी को पता नहीं चला, जो सीधा कांच पे पैर रख दिया। वाह, आप भी कैसी बातें करती हैं। कोई भला खुद से पाँव क्यों रखेगा कांच के ऊपर? कोई इंसान अपने आप को खुद जख्मी करता है? मुझे तो परेशानी हो रही है, सब ठीक हो? पता नहीं हॉस्पिटल पहुंच गए कि नहीं। हारून बिना फोन ही नहीं उठा रहे। इतने दिनों बाद हम लोग सब बाहर निकले थे, इतने खुश थे सब। आते बेचारे हारून को जाना पड़ा, थके हुए भी थे। दुल्हन बेबी, एक बात पूछूं, क्या माइन बेबी यही रहेंगी? मतलब ये खाला भी तो है उनकी, ज्यादा हक तो खाला का बनता है ना? वह क्या मकसद है इस बात का? वो वहां रहे यहाँ रहे एक ही बात है। वहां शायद उनका दिल भी नहीं लगता, इसीलिए तो हारून साहब रात को खाला के घर से ले आए थे। क्या, कौन लेकर आया था? हारून साहब लेकर आए थे, मैंने ही तो गेट खोला था, गेट अंदर से लॉक हो गया था। हारून, तुम खाला की तरफ रुकने गई थी ना? गई थी रहने, लेकिन यूनिवर्सिटी के ग्रुप में मैसेज आ गया कि असाइनमेंट आज के आज ही जमा कराना, इसीलिए मुझे मजबूरन मोइस के साथ आना पड़ा। मुझे छोड़ कर ना जाए हारू। मैं यही हूं तुम्हारे पास, हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना? वादा नहीं करना चाहते, लेकिन हारून, मैं आपकी मोहब्बत में सारी कश्तियां चला चुकी, मैं अब पीछे नहीं हट सकती। पीछे हटूंगी तो मर जाऊंगी। मेरे पास अब आपका साथ है या फिर मौत, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ये पांव में कांच, तुमने खुद जख्मी किया अपने पांव को? ये तो सिर्फ पांव है, अगर आप किसी और को नजर भर के देखेंगे भी ना तो मैं उसी कांच से अपनी शहरक काट लूंगी। ऐसा सोचना की बात है,